हेलो बच्चों, एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए है। जो बच्चे इस रील्स को देख रहे हैं वो अपने स्टेटस में, अपने स्टोरी में, चाहे जैसे भी हो, इस रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये इसमें जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो किसी के भविष्य को बचाने वाली बात है। झारखंड में पढ़ने वाले हर वो छात्र जो अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, सभी लोगों को ग्रेजुएशन करने के लिए, यानी BA, BSc, BCom करने के लिए और किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए CUET का एग्ज़ाम पास करना होगा। जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी CUET का एग्ज़ाम लेती है, और 2023 में जो CUET का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म 10 मार्च तक ही भरा जाएगा। याद रखिएगा, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म 10 मार्च तक ही लास्ट डेट है, और 10 मार्च तक आपको उसको फिलअप कर देना होगा। 10 मार्च से पहले कोशिश कीजिए कि फिलअप कर देने के लिए। इसीलिए ये मैसेज सारे लोगों तक चला जाना चाहिए ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं। गांव का बच्चा, मुझे डर इस बात का है कि कहीं गांव का बच्चा छूट ना जाए, किसी गांव के बच्चे को दिक्कत ना हो जाए। उस तक जानकारी बहुत कम पहुंच पाती है, क्योंकि शहर के बच्चों को तो अखबार के माध्यम से लगातार मैसेज दिया ही जा रहा है ताकि शहर के बच्चे समझ सके CUET क्या है। लेकिन गाँव के बच्चे अगर नहीं समझ पाएंगे तो उनका एक साल वेस्ट हो जाएगा, उन्हें अगले साल CUET देना पड़ेगा। बिना CUET का एग्ज़ाम दिए आप कभी भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं।